हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो अभी आपका जो एज रॉबलिन लाइव हो रहा था सुबह पे, तो उसमें 6:30 बजे के आसपास एसर आए थे, और एसर आने के बाद आपको कुछ अपडेट्स मिला है ऑब्वियसली, तो वही बात करेंगे इस वीडियो में कि एसर ने क्या बोला रॉबलिन लाइव में, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ कि रॉबलिन लाइव होने से कुछ टाइम पहले कुछ लीडर्स ने, जैसे कुलविंदर धिलन सर, क्रिस जॉनसन, बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया, एक फेसबुक पोस्ट किया कि बैक ऑफिस पे आंखें बनाए रखे, नज़र बनाए रखे, कुछ अपडेट्स आने वाला है, कुछ पोस्ट होने वाला है। तो ये लिखा था, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया क्योंकि ये रॉबलिन शो से पहले बोला, तो शायद वो तो है, वो शायद कुछ आने वाला है। अभी क्या आते हैं वो तो बैक ऑफिस में ही पता चलेगा, उसके लिए वेट करो, जब आएंगे मैं बता दूंगा कि क्या आया है। हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है अपडेट्स, या हो सकता है कुछ आए, तो जो भी आएंगे, जो भी चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप बात करेंगे हम रॉबलिन शो लाइव के बारे में, जहाँ पे एसर लाइव आया और क्या अपडेट्स दिया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एसर मोटा मोटा 4 पॉइंट्स हाइलाइट्स करके बोला, इवेंट्स के बारे में बोला, नेक्स्ट वीक जो इवेंट होने वाले उसके बारे में बोला, ऑन पैसिव का गोल के बारे में बोला, तो ढेर सारा पॉइंट्स है, बताऊँगा एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैसेज फ्रॉम मिस्टर नवीन एंड मिस्टर कमल, तो टेक्निकल टीम से क्या मैसेज आया एसर के, वही एसर बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर डिफरेंट एसर बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान से सुन लो एक बात कि बहुत सारे लोग होता है कि सोचते हैं मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो एसर बोला है मैं वही आपको ट्रांसफ़र करके बोल रहा हूँ, ठीक है, वही बोल रहा हूँ। तो डिफरेंट लिसनर लिसन टू मी एंड दे ब्लेम अस फॉर माई वर्ड्स, तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे ढेर सारे यहाँ पर सुनने वाले हैं जो जिसका माइंडसेट अलग अलग है, किसी को मेरे बात अच्छा लग सकता है, किसी को मेरे बात बुरा लग सकता है, ठीक है। एंड मेरे जो काम हो रहा है, जो अभी दिन चल रहा है, अभी जो आप सोच रहे हैं उसमें लिए कुछ मुझको, मैं जो बोलने वाला हूँ उसके लिए मुझको ब्लेम भी कर सकता है, ठीक है, तो ठीक है हम फिर भी बताएंगे। तो उसके बाद क्या बोला कि वी आर ऑन ट्रैक, हम एकदम ट्रैक पर हैं, राइट पाथ, सही पाथ पर जा रहा है एकदम, वी आर वॉकिंग साइमल्टेनियसली ऑन 2-3 प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स लाइव होने वाले उस प्रोडक्ट का बात कर रहा है कि वी आर वॉकिंग, मतलब हम लोग एक साथ कौन सा प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, मतलब मुझे जितना मालूम है मैं आपको बता ही देता हूँ कि वो कनेक्ट, वो ट्रैकर, वो डिस्क और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके साथ एक साथ काम चल रहा है, एक साथ लाइव हो जाएंगे कुछ दिन के आसपास में, मतलब छोड़ छाड़ के, लेकिन एक साथ ही सब कुछ लाइव हो जाएंगे, इसके लिए एक साथ काम चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि ओ कनेक्ट का जो आ रहा है, आप सोच रहे हो कनेक्ट आएगा, इसका क्या आने वाला है कि मोबाइल ऐप्स आने वाला है, इसका वेब रिस्पॉन्सिव वर्जन जो कभी नहीं किसी के पास है वो वेब रिस्पॉन्सिव वर्जन भी आने वाला है, डेस्कटॉप वर्जन जो कंप्यूटर होता है ना उसके लिए, या लैपटॉप होता है उसके लिए एक अलग सा सिस्टम वर्जन होता है वो आने वाला है, मेन एप्लीकेशन जो होंगे वो भी आने वाला है। तो एक साथ ये चारों चीज़ साइमल्टेनियसली चल रहा है एक ही प्रोडक्ट का, जो किसी कंपनी ने नहीं लाया, और ये नहीं सिर्फ आप किसी भी, आप मान लो मोबाइल पे मीटिंग चल रहा है, आप बंद, आप कंप्यूटर में घुस जाओ वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और तो ढेर सारा फीचर्स तो है, रिवाइंड फीचर्स है, फास्ट करके देखने का फीचर्स है, जो जूम पे नहीं, बहुत सारा फीचर्स जूम पे नहीं, जूम के साथ तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है हमारे साथ, हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बोल रहा था, अभी उसके बाद ये तो चल रहा है एंड वो सब हो गया, ये सब एक साथ आने वाले, यही उन्होंने बोला, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर एस सर के लाइव अपडेट्स के बाद शायद मोहम्मद कमल का भी अपडेट्स है, वो शायद कवर नहीं हो पाएगा इस वीडियो में। तो जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और भी अपडेट्स आने वाला है बहुत जल्द, बहुत कुछ बताने वाला है इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, बहुत जल्द वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वी आर नॉट सॉरी, वी आर नॉट डिलेड, बिकॉज डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम 2 वीक्स टू 2 मंथ्स ट्रायल, मतलब ये बोलने की वो कोशिश कर रहा है कि वी आर नॉट सॉरी, हम सॉरी नहीं बोल रहे और हम डिलेड भी नहीं है, आप जो सोच रहे हो ना हम डिलेड हो चुका है, डिलेड हो चुका है, तो हम डिले नहीं है, ठीक है। हम क्यों सॉरी नहीं है इसका भी एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं कि आप जो सोच रहे हो, मतलब आप, मतलब कुछ लोग हैं जो सोच रहे कि कंपनी तो ये बोला था इतना टाइम हो गया, ये बोला था इतना टाइम हो गया, फिर भी कंपनी ने सॉरी क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों सॉरी नहीं बोल रहा, तो ये बोला कि हम सॉरी नहीं
यही बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि हम आपको कोई पेड चीज़ नहीं दिया गया। मान लो आपसे पैसा लिया गया है और आपको चीज़ डिलीवर्ड नहीं हुआ है, उसका बाद अलग था। यह हो सकता है कि 2024 के वजह में 2023 की वजह में 2025 हो आ गया, तो एक बात आप कह सकते थे। लेकिन हाँ, हमने बोला था सिर्फ 2 वीक्स का ट्रायल देंगे, लेकिन हम आपको 2 महीने ट्रायल दिया है, तो आप कुछ बता नहीं सकते। आप फ्री का चीज़ यूज करो, आपको एक पैसा भी नहीं लिया गया और उनके फिर भी आपका जो ये है मतलब फाउंडरशिप कॉस्ट है, वो भी हम डिटेक्ट करने की वादा किया है, वो कर भी देंगे, तो आप कैसे बोल सकते हो क्यों हम सॉरी बोले। तो ये उन्होंने बोला। इसके बाद हाँ, रुक जाओ, अगर इवेंट के बारे में भी बताने वाला हो और गोल्स के बारे में बताने वाला हो, ठीक है, वो लास्ट में बोला है तो लास्ट में ही है पॉइंट। इसके बाद उन्होंने बोला, इट कैन कम एनी टाइम, देयर इज़ नो टाइम लिमिट। तो ये कभी भी आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है, देयर इज़ नो टाइम, कोई टाइम का बाउंडेशन भी नहीं है, कोई टाइम बाय डेट बाय एक्चुअल थिंग भी नहीं है कि हाँ इस डेट पे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ बोला इट कैन कम एनी टाइम। ओके, दिस इज़ वेरी बिग प्रोजेक्ट। उसके बाद बोल रहे कि दिस इज वेरी बिग प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, नेवर डन बिफोर, कभी ऐसा हुआ नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू केयर फॉर, मतलब हमारे पास बहुत सारा चीज है जो एक साथ देखना पड़ता है, वी आर एब्सोल्युटली ऑन राइट पाथ राइट, हम एकदम राइट ट्रैक पर जा रहे हैं, राइट पाथ पर है, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला। इसके बाद इवेंट के बारे में क्या बोला है, इवेंट के बारे में बोला कि 7 जुलाई, ध्यान रखो आज है 1 जुलाई, नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है, मैं देख लेना एक बार कैलेंडर, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि 7 जुलाई डेट कंफर्म्ड हो चुका है, वो कनेक्ट एक इवेंट होने वाला है जहाँ पे यूट्यूब जो विनर्स है, ध्यान से सुन लो, YouTube का जो विनर्स बना है, तीनों बंदे नहीं, एक लड़की जो $5,000 जीता है, और 2 बंदा, एक बांग्लादेश से, सेकंड जो आईफोन जीता, और नंबर थर्ड जो 100,000 क्रेडिट जीता है, ठीक है, वो तीनों को हैदराबाद बुलाया गया है फ्राइडे पे, ठीक है, तो फ्राइडे शायद मतलब 7 जुलाई पे, ठीक है, एंड उनको बुलाया गया हैदराबाद पे, तो कुछ इवेंट वगैरह होंगे, वो आएंगे, आप देख सकोगे, उनको कुछ दिया जाएगा, ऐसा कुछ प्रोग्राम्स होने वाला है। इसके साथ क्या होने वाला है कि वी गोना अनाउंस, शायद मतलब अभी वो तो अनाउंस नहीं किया, तो नेक्स्ट वीक उस कॉन्टेस्ट पे जब ये सब चलेंगे, वो सब होंगे, उनमें फिर नेक्स्ट कॉन्टेस्ट और भी बड़ा होने वाला है, और भी बिगर होने वाला है, उसका अनाउंसमेंट शायद नेक्स्ट वीक वो 7 जुलाई करेंगे, शायद पहले भी कर सकता है, लेकिन वो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक ही कर देंगे, जब वो इवेंट होंगे तो तभी नेक्स्ट इवेंट का हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि हाँ ये इवेंट होने वाला, इवेंट बोल रहे सॉरी कॉन्टेस्ट का, कि वो अभी इन ये जो इवेंट था ना, ये जो कॉन्टेस्ट है, इनसे भी बड़ा होने वाला है। तो ये बोला। इसके बाद बोला ऑन पैसिव गोल के बारे में उन्होंने बोला, फिर धीलन सर का बोला ये ट्रांसफर हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऑन पैसिव गोल क्या है। हमारा गोल, दिस इज अ लाइफ गोल, ये है कि देयर इज अ लाइफ ऑफ बिफोर ऑन पैसिव एंड आफ्टर ऑन पैसिव, ठीक है, यहाँ पर 2 लाइफ है, एक ऑन पैसिव आने से पहले जो अभी चल रहा है, अभी ऑन पैसिव बाद जब ट्रेड प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगे उसके बाद एक लाइफ होंगे। तो वी आर टॉकिंग नॉट, मतलब हम वो इससे बात बोलो, वी आर नॉट टॉकिंग ओ कनेक्ट ओ ट्रैकर, हम ओ कनेक्ट ओ ट्रैकर का बात नहीं कर रहे, ठीक है, बिगर वन, मतलब ये ओ कनेक्ट ओ ट्रैकर तो फाउंडेशन है, जो पहले आएंगे उनसे हमारा थोड़ा कमीशन जेड होगी, कंपनी भी सस्टेन करेगा, जो टैक्स है जो है वो थोड़ा बहुत इनकम आएगा, ठीक है, वो उनका बात हम नहीं कर रहे, हम बड़े चेंज की बात कर रहे, बिगर चेंज, बिगर वन चेंज, बहुत बड़े दुनिया बदलने वाला चेंज के बारे में बात कर रहे, ठीक है। वो ये बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि 4 जो पॉइंट्स हैं उन्होंने मेन कवर अप किया, ठीक है, तो वही बोल रहा था कि क्या चीज़ है कि वी आर सो यूनिट टू विन इट, 4 चीज़ उन्होंने पहले आके बोला था, वी आर सो यूनिट टू विन इट, दिस इज डांडिल, नंबर 2, नंबर 3 इज वी आर नॉट सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर आवर वर्क्स, तो वी आर walking hard continuously, and number 4 we are on right track, ठीक है, तो ये बोला वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो यही था अपडेट्स, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है जो मैंने बोला, तो जो एसएन ने बोला, ठीक है, मैं उसको ट्रांसलेट करके बोला, नेक्स्ट हिंदी लाइव आने वाला है, सॉरी नेक्स्ट मोहम्मद कमल सर का अपडेट आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, और मोहम्मद कमल भी बहुत अच्छे सर बोलते हैं, कोई शुगर कोटिंग देखे ऐसा कुछ नहीं बोलता है, जो होता है वो सिर्फ वो बोल देता है, तो वही मैं बोलूँगा नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।